नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगी, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए, यानी 3, 5, 7, 9 इस तरह के फंदे हमें चाहिए। तो डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है। यदि आपको ढेर सारे डिज़ाइंस की आवश्यकता हो तो आप मेरे चैनल में सर्च कर सकती हैं, और यदि आप बेल आइकन दबाते हैं तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने 15 फंदे डाल रखे हैं और 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया है और पहली लाइन में हम दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में भी फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो मैंने सभी फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो दूसरी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो दूसरी लाइन में मैंने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम वापस आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डिज़ाइन का मेन लाइन है। तो फिर हम अपने दूसरे कलर के ऊन से ही पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा और 2 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। 1, 2। स्लिप करने के लिए हम ऐसे पर्ल वाइज ही सिलाई डालेंगे। 2 फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। ऊन हमारा हमारी तरफ है, इसलिए उल्टा बुनने से ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे धागा आ जाएगा। देखिए, ये धागा ऐसे ऊपर की तरफ से आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 फंदों को भी हम स्लिप कर लेंगे। 2 फंदा स्लिप किया, तीसरे फंदे को उल्टा बुन लिया। 2 फंदा स्लिप किया, तीसरे फंदे को उल्टा। 2 फंदा स्लिप किया, तीसरे फंदे को उल्टा। और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ये हम फंदा सामने की तरफ से उल्टा बुने हैं, तो इसको हम वापस उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए, ये 2 फंदे हमने स्लिप किए थे तो इन्हें इस लाइन में सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर। ये देखिए, इस फंदे को हमने उल्टा बुना था सामने की तरफ से, तो रॉन्ग साइड से भी हम इसे उल्टा ही बुनेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए, ये 2 स्लिप किए हुए फंदे हैं तो रॉन्ग साइड से हम इसे सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर। ये बुना हुआ फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, और स्लिप किया हुआ फंदा चौथी लाइन में हम सीधा बुनेंगे। 1 फंदा उल्टा, बुना हुआ फंदा उल्टा, और उन दूसरी ओर ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा, इसे हम सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर। अब देखिए, ये बुना हुआ फंदा और ये लास्ट फंदा, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना कलर चेंज करेंगे, यानी 5वीं लाइन में हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो अपने पहले कलर के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो 5वीं लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और ये डिजाइन का 6ठा लाइन है। तो 6ठी लाइन में सभी फंदे उल्टे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए 6ठा लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिजाइन का सातवां लाइन है। तो सातवां लाइन तीसरे लाइन की तरह ही बुना जाएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा, दो फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर तीसरा फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करेंगे, तीसरा फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करेंगे, तीसरा फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करेंगे, तीसरा फंदा उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। चौथी लाइन में, आठवीं लाइन में पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सामने की तरफ से उल्टा बुना गया है तो रॉन्ग साइड से भी इसे हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर देखिए दो फंदे स्लिप किए गए हैं तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर बुना हुआ फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा सीधा, उन अपनी ओर बुना हुआ फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा सीधा, उन अपनी ओर बुना हुआ फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा सीधा, उन अपनी ओर लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो दोनों को उल्टा बुन लेंगे। तो चार चार लाइन बुनने के बाद हम कलर चेंज करते जाएंगे और देखिए ऐसे डिजाइन बनता चला जाएगा। मेनली चार लाइन का ही डिजाइन है। चार लाइन बुनने के बाद हम दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। इस डिजाइन को हम बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। चार लाइन का ये खूबसूरत सा डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।